गाइस सब कैसे मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर। तो गाइस आप थंबनेल देखकर गुस्सा जरूर हुए होंगे कि भाई ये कुछ भी बोल रहा है। नहीं भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं प्रूफ भी दूंगा इसके साथ कि मनोज देखो सच में उनकी एक ऐसी वीडियोज है जिन पे उनको मिलती बहुत सारी गालियां बहुत सारे डिसलाइक्स, और ये मैं नहीं मैं उसका प्रूफ दूंगा गाइस, मैं प्रूफ दूंगा आप पूरा देखेगा। ऐसे उल्टा सीधा आप कमेंट मत कीजिएगा, पहले वीडियो देखिए उसके बाद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी वीडियो थी मनोज देगी जिसपे कि उन्हें बहुत सारी गालियाँ मिली थी, और ये मनोज भी खुद बताएंगे, मैं उसका प्रूफ देने वाला हूँ। आप आगे वीडियो देखिए तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से यार लाइक कर दो यार। तो चलिए आप तो ऐसे लाइक नहीं करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ उसके बाद तो आप जरूर लाइक करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए बहुत पहले मतलब कि बहुत ये पहले का बात है कि यूट्यूब पे उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसपे कि उन्होंने क्या किया था, उस वीडियो में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था उन्होंने, जिस कारण से उस वीडियो पे उन्हें बहुत सारी गालियाँ मिली थी, बहुत सारे डिसलाइक्स मिले थे, बहुत सारी गालियाँ मिली थी उस वीडियो पे, जिस कारण से मनोज डे ने उसे कमेंट मतलब उसका जो कमेंट था उसे डिसेबल कर दिया, मतलब इतनी गालियाँ मिलती थी जो उन्हें कमेंट डिसेबल करना पड़ा। और गाइस अभी आप अगर जाके देखेंगे उनके चैनल पर तो वो वीडियो भी नहीं है, हो सकता है शायद उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया या फिर हो सकता है प्राइवेट कर दिया हो, अभी आप जाके देखेंगे वो वीडियो नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अभी उसका एक क्लिप दिखाने वाला हूँ और आप ये सोचेंगे कि वो क्लिप कहाँ से आई, तो क्योंकि मनोज डे ने खुद एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने ये क्लिप दिया है, और क्लिप देने के बाद उन्हें बताया है खुद बताया है कि मुझे इस वीडियो में बहुत सारी गालियाँ मिली थी। वो वीडियो कौन सा है यहाँ पर नीचे देखिए, आपको एक मनोज डे का वीडियो दिख रहा है, यूट्यूब पे जाके इसे सर्च कीजिए वीडियो आ जाए मतलब ये वीडियो आ जाएगी। फिर स्टूडियो में आप देखेंगे तो मनोज डे ने उस वीडियो में खुद बताया है कि मतलब कि उन्होंने ये वीडियो बनाया था तो उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी जिस कारण से बहुत सारे डिसलाइक्स और बहुत सारी उन्हें गालियाँ मिली थी, जिस कारण से उन्हें कमेंट उसका डिसेबल करना पड़ा था, और अब तो शायद लगता है कि उन्होंने ये वीडियो ही डिलीट कर दिया या फिर प्राइवेट कर दिया है, पता नहीं अब वो जो मतलब उन्होंने जो किया हो। तो गाइस वो वीडियो कौन सी है मैं उसका एक क्लिप दिखा देता हूँ, और बाकी आप सोच रहे होंगे ये झूठ है तो मैं इसका प्रूफ आपको दे दिया हूँ, आप वो सर्च कीजिए और यूट्यूब पे जाके देखिए उनकी वीडियोज आ जाएगी ऊपर, फिर आप देख लीजिए उसमें उन्होंने खुद बताया है उस वीडियो में। तो चलिए एक क्लिप आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सी वीडियो थी जिस पर उनको मतलब उनको गालियाँ मिली थी। हेलो फ्रेंड, टेक्निकल मनोज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जे 5/2015 और जो 7/2015 में 7.0 नॉगट अपग्रेडेबल है या नहीं। तो गाइस देख लिया आपने ये क्लिप, तो गाइस आप सोच रहे होंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो गाइस पहले जो मैंने बताया था वीडियो जाके आप यूट्यूब पे देख लीजिए फिर आप कुछ भी बोलिएगा, और आपको अगर झूठ लग रहा होगा तो गाइस मुझे इस वीडियो में यही बताना था, और मैं ये कोई भी अपने से खुद से नहीं बोल रहा हूँ, मनोज खुद बोल रहे थे जैसा कि आपने देखा। तो दोस्तों मुझे इस वीडियो में इसी वीडियो के बारे में बताना था, क्योंकि मतलब उनकी एक ऐसी वीडियो थी जिसपे उन्हें बहुत सारी गालियाँ भी मिली थी, डिसलाइक्स भी मिले थे, लेकिन अब आप जाके देखेंगे तो यार बढ़िया बढ़िया कमेंट मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं बहुत सारे, मतलब अब यार कुछ और ही है। लेकिन ये वीडियो उनकी बहुत पहले का है, बहुत पहले का, जिसपे उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो गाइस मुझे इस वीडियो में यही बताना था, वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को फटाफट से यार लाइक कर दो और बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, अगर मनोज डे के फैन हो तो शेयर करना और लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।